ओम ज्ञातिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपरमाणं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखामृतमस्तु। नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है द लॉर्ड इन द हार्ट, हृदय में भगवान का उपस्थिति। टेक्स्ट वन। श्री शुक उवाच एवं पुरा दारयानात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवारुध्य तुष्टा यथा सस्रजेतम् अमोघ दृष्टि यथाप्यात् प्राग् विवसाय बुद्धि। ट्रांसलेशन। श्री शुकदेव गोस्वामी सेड फॉर्मली प्रायर टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉस्मोस लॉर्ड ब्रह्मा by meditating on the Virat Rupa, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus, he was able to rebuild the creation as it was before. तुमने देखा कि पिछले अध्याय का शीर्षक है the first step in God realization. तुमने देखा कि पहले स्कंद के अंत में परीक्षित ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी को, हर एक व्यक्ति को अंत समय पे किस पे ध्यान करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने शुरुआत में ही बता दिया के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, और बाकी का जो अध्याय है सुखदेव गोस्वामी ने विराट रूप के बारे में समझाया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहेंगे जो भगवान के रूप पे डायरेक्टली ध्यान नहीं कर सकते, उनका विश्वास उतना नहीं है, वो अपने अभी भी आँखों पर विश्वास करते हैं, इसलिए आँखों से उनको ये दुनिया दिखता है। तो ये दुनिया में विराट रूप देखना, कैसे दुनिया के अलग अलग चीज़ों को भगवान का अंग करके देखना, हमने देखा कि अलग अलग लोक जो 14 लोक हैं भगवान के अलग अलग अंग हैं, जो पेड़ हैं नदियां हैं जो पहाड़ है वो सब भगवान विराट रूप के अलग अलग अंग हैं। तो उन्होंने वो ध्यान सिखाया विराट रूप का। तो वो कंटिन्यूशन करते हुए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी भी जब वो सृष्टि के अंत में क्या होता है कि जब ब्रह्मा का रात आता है ब्रह्मा जी सो जाते हैं, अगला दिन सुबह उठ के वापस उनको सृष्टि करना रहता है क्योंकि ब्रह्मा जी के रात में पूरा प्रलय हो जाता है, तो सुबह उठ के फिर से सृष्टि करना है। इमेजिन करो ब्रह्मा का काम कितना कष्ट है, रोज़ सुबह उठ के फिर से क्रिएट करो। इमेजिन करो आपने बहुत बड़ा बिल्डिंग बांधा है, रात को सो गए बिल्डिंग समाप्त, सुबह उठ के फिर से कंस्ट्रक्शन। तो रोज़ सुबह जब उठते हैं ब्रह्मा जी तो कभी कभी भूल जाते हैं, विस्मृति होता है उनका,
कैसा किया है उन्होंने पहले दिन को याद नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी विराट रूप का ध्यान करते हैं और उनका जो स्मृति जो नष्ट हुआ है वापस आ जाता है और फिर से सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी प्रूफ दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भी विराट रूप का स्मरण किया था। परपोट द एग्जाम्पल साइटेड हियर इन ऑफ श्री ब्रह्मा जी इज वन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण है कि कैसे ब्रह्मा भी विस्मृत उनका भी स्मृति नष्ट हो जाता है। भगवान गीता के 14वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि बहुत सारे अवतार मैंने भी लिया है और बहुत सारा जन्म तुमने भी लिया है, पर तुम में और मुझ में फर्क क्या है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं मैं हर एक चीज़ का याद रखता हूँ, मुझे स्मृति है, मेरा स्मृति नष्ट नहीं होता, बस जो बद्ध जीव है उसका स्मृति चला जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी का भी उदाहरण है कि ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति भी वो भी विस्मृति में आ जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं और फिर से भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है और भगवान स्मृति देते हैं। जैसे भगवान गीता में बताते हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ परमात्मा के रूप में और भगवान स्मृति देते हैं और विस्मृति भूलने का भी क्षमता भगवान ही देते हैं, है कि नहीं। हमको लगता है स्मृति हमारे हाथ में है, नहीं, जब तक भगवान का अनुमति नहीं है हमने बहुत कुछ पाठ किया होगा पर भगवान ने अनुमति नहीं दिया तो उसका याद नहीं आएगा, स्मृति नहीं आएगा। और हमने शायद उसका पाठ नहीं किया होगा पर भगवान ने स्मृति दे दिया तो क्लियरली दिखता है। तो अल्टीमेटली भगवान ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भी जो ये दुनिया की सृष्टि करते हैं उनको भी भगवान पे निर्भर होना पड़ता है। ब्रह्मा जी इज द इनकार्नेशन ऑफ वन ऑफ द मंडेन एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी भगवान के गुण अवतार हैं, रजोगुण के अवतार हैं। बीइंग द इनकार्नेशन ऑफ द पैशन मोड ऑफ मटीरियल नेचर ही इज एम्पावर्ड बाई द लॉर्ड टू जनरेट द ब्यूटिफुल मटीरियल मैनिफेस्टेशन। तो क्योंकि ब्रह्मा जी का रजोगुण के प्रभावित हैं, कुछ भी चीज़ निर्माण करने के लिए रजोगुण चाहिए, ठीक नहीं, कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ भी नया चीज़ करने के लिए रजोगुण चाहिए, मेंटेन करने के लिए सत्वगुण चाहिए और संहार करने के लिए डिस्ट्रक्शन के लिए तमोगुण चाहिए। तो ब्रह्मा जी रजोगुण से ये पूरे भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं। येट ड्यू टू हिज बीइंग वन ऑफ द न्यूमरस लिविंग एंटिटीज ही इज एप्ट टू फॉरगेट द आर्ट ऑफ हिज क्रिएटिव एनर्जी। तो हालांकि ब्रह्मा जी ने पहला दिन सोने से पहले पूरे सृष्टि का निर्माण किया, जब सो जाते हैं और अगले दिन उठते हैं फिर से भूल जाते हैं, पूरा ज्ञान भूल जाते हैं कैसे सृष्टि किया उन्होंने, कुछ भी याद नहीं है, ब्लैंक। जैसे कभी कभी होता है ना मोबाइल में फॉर्मेटिंग, तो रोज़ सुबह ब्रह्मा जी रात का भगवान ब्रह्मा जी के माइंड को फॉर्मेट कर देते हैं। तो फिर से भगवान से प्रार्थना करके फिर से ब्रह्मा जी का स्मृति आता है। दिस फॉरगेटफुलनेस ऑफ द लिविंग बीइंग बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू द लोएस्ट इनसिग्निफिकेंट एंट इज अ टेंडेंसी विच कैन बी काउंटर एक्टेड बाई मेडिटेशन ऑन द विराट रूप ऑफ द लॉर्ड। ये जो भूल जाने की जो आदत है ब्रह्मा जी से छोटे से चींटी तक हर कोई व्यक्ति भूल जाता है उसके असलियत को, उसको याद रखने के लिए स्मृति बढ़ाने के लिए भगवान के विराट रूप पे ध्यान करने का यहाँ पे सजेशन दिया है सुखदेव गोस्वामी ने। दिस चांस इज अवेलेबल इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड इफ अ ह्यूमन बीइंग फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड बिगिन्स टू मेडिटेट अपॉन द विराट रूप देन रिवाइवल ऑफ हिज प्योर कॉन्शियसनेस एंड काउंटर एक्शन द टेंडेंसी टू फॉरगेट हिज इटर्नल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड कैन फॉलो साइमल्टेनियसली। तो इसलिए मनुष्य जन्म किस लिए दिया है, ताकि हम भागवतम या जो शास्त्रों का उपदेश पालन कर सकें और भगवान के रूप पे, खासकर भगवान के विराट रूप पे ध्यान कर सकें और इससे हमारा जो स्मृति है, कौन सा स्मृति, कि हम सब भगवान के दास हैं, हम सब एक समय पे भगवान के आध्यात्मिक धाम में थे। याद है क्या हमको, याद नहीं है, ये जीवन के बारे में पता नहीं, भगवान के धाम में थे, भगवान के लीलाओं हमने देखा है उसका याद नहीं है, पर भगवान का भक्ति करते करते वो याददाश्त आएगा।
जैसे मूवीज में हुआ करता था ना, पुराने फिल्म्स में कभी कभी हीरो का सर पे गिर जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है और बाद में वही जगह पे देखे जाते हैं जहाँ पे उसने बचपन बिताया है, तो धीरे धीरे उसका याददाश्त वापस आता है। तो वैसे ही हम सब भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो भक्ति का कार्य करके वापस हमारा स्मृति आएगा। एंड as soon as this forgetfulness is removed, the vyavasaya buddhi as mentioned here in Bhagavad Gita 2.41 follows at once. तो यहाँ पे वर्णन आता है, यथाप्यात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। व्यवसाय बुद्धि मतलब वन पॉइंटेड फोकस, पूरे क्षमता के साथ हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। वो कब होगा? जब हम भक्ति करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो स्मृति है याद आएगा कि हम भगवान के दास हैं, उसके बाद हम व्यवसाय बुद्धि के साथ काम कर सकते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, व्यवसाय में का बुद्धि एक है कुरुनंदना, तो वो वन पॉइंटेड फोकस के साथ हम काम कर सकते हैं। दिस असर्टन नॉलेज ऑफ द लिविंग बींग लीड्स टू द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड विच द लिविंग बींग रिक्वायर्स। तो ऐसे ज्ञान से, बुद्धि का मतलब ज्ञान, तो जब हम भगवान का स्मृति करते हैं तो भगवान ज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान भगवद्गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं, जो लोग मेरा अनन्य भक्ति करते हैं मैं उनको हृदय से प्रेरणा और ज्ञान देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वतः, भगवान जो ये ज्ञान का दीप है वो हमारे हृदय में जलाते हैं और हम फिर से भगवान की भक्ति में अग्रसर होके करते हैं। अभी हम भक्ति कर रहे हैं पर हमारा भक्ति पूरे निष्ठा के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा स्मृति वापस आया नहीं है। अभी भी हमको ये विश्वास है कि हम ये शरीर है, पर जब हम भक्ति करते रहेंगे, जब हम शुद्ध बनेंगे, ओरिजिनल जब स्मृति आएगा, साक्षात्कार आएगा कि हम भगवान के दास हैं, तो वही भक्ति का कार्य करेंगे पर पूरे फोकस के साथ, पूरे निष्ठा के साथ। दिस असर्टन नॉलेज ऑफ द लिविंग बींग लीड्स टू द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड विच द लिविंग बींग रिक्वायर्स। द किंगडम ऑफ गॉड इज अनलिमिटेड, देयरफॉर द नंबर ऑफ असिस्टिंग हैंड्स ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो अनलिमिटेड। तो क्योंकि भगवान अनंत हैं और भगवान का दाम अनंत है, इसलिए भगवान के जो हाथ हैं, जो लोग भगवान को मदद करते हैं, जो जीव हैं, वो भी अनंत हैं। द भगवद गीता 13.14 asserts that the Lord has his hands, legs, eyes and mouths in every nook and corner of his creation. तो गीता के 13 अध्याय में भगवान बताते हैं कि मेरा जो हाथ है, पैर है, आंख है, मुंह है, सृष्टि के हरेक कोने में है। कहने का मतलब है कि भगवान अपना कार्य अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द एक्सपेंशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड पार्सल्स कॉल्ड जीवास और लिविंग बींग्स आर असिस्टिंग हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर मेंट फॉर रेंडरिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो जब भगवान गीता में बताते हैं कि मेरा जो हाथ है सब जगह है, उसका मतलब है, भगवान बताना चाहते हैं कि हर एक जो जीव है उनका कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवा करना। तो इसीलिए जब हम हमारे क्षमता के अनुसार, हमारे योग्यता और भगवान ने जो कला दिया है उसके अनुसार जब हम भगवान का कार्य करेंगे, तो हम भी भगवान का एक हाथ बनेंगे दूसरों को मदद करने के लिए। द कंडीशन सोल इवन इन द पोजिशन ऑफ ब्रह्मा फॉरगेट्स दिस बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजरी मटीरियल एनर्जी जनरेटेड आउट ऑफ फॉल्स इगोइज्म। तो ब्रह्मा तक जो जीव है भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, कि हम भगवान के दास हैं। अहंकार के वजह से, मिथ्या अहंकार के वजह से हमको लगता है कि हम स्वामी हैं, हम शरीर हैं, हम मन हैं, पर हम ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो जैसे अज्ञान को एक अहंकार क्या है, अज्ञान है। जैसे विंटर के समय, अभी सर्दी का मौसम है, जब कोहरा पड़ता है सामने क्या है दिखता नहीं है, तो वैसे अज्ञान का कोहरा है, अहंकार का कोहरा है, इसलिए हम असलियत देख नहीं पाते। सामने ही है फिर भी हम देख नहीं पाते। इसलिए जब सूरज निकलेगा और जब कोहरा निकल जाएगा,
तब हम असलियत को देख पाएंगे। तो ऐसे ही हम भक्ति का सूर्य, भगवान का हरिनाम, भगवान का सेवा, भगवान का कथा, वो हमारे हृदय पर प्रकाशित करते रहेंगे तो हृदय का कोहरा निकलेगा और हम सही ज्ञान में आएंगे। वन कैन काउंटरैक्ट सच फॉल्स ईगोइज्म बाय इन्वोकिंग गॉड कॉन्शियसनेस। तो ये जो अहंकार से दूर होने का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कृष्ण भावनामृत होना, गॉड कॉन्शियसनेस। भगवान श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बैक टू गॉडेड मैगजीन के कवर पे है, गॉडेड इज लाइट, वेयर देयर इज गॉडेड देयर इज नो निसंस। तो ये जो माया है, अंधकार है, और कृष्ण सूर्य की तरह है, जहां पे कृष्ण का सूर्य है वहां पे माया नहीं है। लिबरेशन मीन्स गेटिंग आउट ऑफ द स्लंबर ऑफ फॉरगेटफुलनेस एंड बिकम सिचुएटेड इन द रियल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड एज एग्जाम्पलीफाइड इन द केस ऑफ ब्रह्मा। तो मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है हमारे अज्ञान से उठना। हम सब सो रहे हैं अज्ञान में, माया की गोद पे हम सो रहे हैं। मुक्ति का मतलब है ये नींद से उठना, अज्ञान के नींद से उठना, और सही जीवन जो है भगवान का सेवा, भगवान के दास के रूप में अपने आप को स्थित करना। तो इसलिए ब्रह्मा जी का यहाँ पे उदाहरण है। द सर्विस ऑफ ब्रह्मा इज द सैंपल ऑफ सर्विस एंड लिबरेशन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सो कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड फॉरगेटफुलनेस। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी अपना जो स्मृति जो खो चुके हैं वो वापस लाते हैं, और जब वापस आता है स्मृति भगवान की सेवा व्यवसायत्मिका बुद्धि से करते हैं, और स्मृति कैसा आता है? क्योंकि वो भगवान पे ध्यान करते हैं। लिबरेशन इज नेवर इन एक्शन बट सर्विस विदाउट ह्यूमन मिस्टेक्स। तो मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का ये मतलब नहीं है कि काम न करना, इन एक्शन नहीं है। मुक्ति का मतलब है सेवा करना पर बिना टूटी के और हमारे मूल स्वरूप को जानते हुए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी विराट रूप का स्मरण करके उनका जो खोया हुआ स्मृति वापस पाते हैं और पूरे तरह से भगवान के सेवा में सृष्टि फिर से बनाते हैं। टेक्स्ट टू, शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थ, यन्नाम बीर्जायति धीर अपार्ते, परिब्रह्मणस्तत्र न विन्दते रतान, मया मये वाश्नया शयानः। ट्रांसलेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द वेदिक साउंड्स इज सो बिविल्डरिंग दैट इट डायरेक्ट्स द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल टू मीनिंगलेस थिंग्स लाइक द हेवनली किंगडम्स। द कंडीशन सोल्स होवर इन द ड्रीम्स ऑफ सच हेवनली इल्यूजरी प्लेजर्स बट एक्चुअली दे डू नॉट रिलिश एनी टैंजिबल हैप्पीनेस इन सच प्लेसेस। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि हाँ, हमको वेद के जो शब्द हैं वो सुनना है, पर हमको सावधान रहना है क्योंकि वेद में अलग अलग मार्ग दिए हैं। कर्म कांड का मार्ग है, ज्ञान कांड का मार्ग है, और भक्ति का भी मार्ग है। तो अगर कोई सावधान नहीं रहेगा तो वेद पढ़ के वो क्या सोचेगा? वेद का लक्ष्य है स्वर्ग में जाना, इंद्र की पूजा करेगा और स्वर्ग की प्राप्ति करने का कोशिश करेगा। तो बहुत सारे लोग जो कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड क्यों करते हैं? ताकि उनके पाप नष्ट हो जाएं और उनको पुण्य मिल जाए, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं, वहां पर जाना चाहते हैं और भोग करने के लिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं आप वेद के वो भाग में फंस मत जाओ, क्योंकि आपके 7 ही दिन है। तो ये 7 दिन में आपको जो सबसे परम गति है उसकी प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो बद्ध जीव है जैसे सपना देखता है और सपने में अलग अलग आनंद प्राप्त करने का कोशिश करता है, वैसा स्वर्ग लोक भी एक सपने की तरह है। थोड़ा बड़ा सपना है पर वो सपना बीत जाएगा। हमने सपने में कितना भी आनंद किया है पर सपने से उठने के बाद हाथ में कुछ आनंद रहता है क्या? सपने में आपने बहुत बड़ा एक महल पाया है, उठने के बाद वो महल कहाँ है?
चला गया, सपने के साथ चला गया। तो ऐसे ही स्वर्ग लोक का भी जो आनंद है, भौतिक लोक का आनंद छोड़ दो, स्वर्ग लोक का भी जो आनंद है और भोग है वो एक सपने की तरह है, देखते ही देखते ही निकल जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वर्ग लोक के आनंद की भी आकांक्षा नहीं रखते पर भगवान की भक्ति करते हैं। परपोट, द कंडीशन सोल इज ऑलवेज एंगेज इन लेइंग आउट प्लान्स फॉर हैप्पीनेस विद इन द मटीरियल वर्ल्ड इवन अप टू द एंड ऑफ द यूनिवर्सल लिमिट। तो बद्ध जीव का मतलब है कि वो प्लान करता रहता है, किसके लिए, सुख के लिए प्लान बनाता रहता है, अलग अलग प्लान्स, मैं इस तरफ से सुखी रहूँगा, इस तरफ से सुखी रहूँगा, ये जीवन में भी प्लान बनाता है और मरने के बाद भी उसका प्लान क्या है, मैं स्वर्ग में जाके वहाँ पे आनंद करूँगा। तो इसलिए लोग धर्म का कार्य करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लोग मोक्ष के पीछे तो लगे नहीं है, उनको ये दुनिया में अर्थ कमाना है, पैसे कमाना है, क्योंकि ये दुनिया में उनको भोग करने का सुविधा मिलेगा, और थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये दुनिया के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहाँ पर जाके फिर से और भोग मिलेगा। तो ये दुनिया में या अगले दुनिया में सबका चिंतन भोग करने का ही रहता है। ही इज नॉट इवन सैटिस्फाइड विद द अवेलेबल एमिनिटीज ऑन दिस अर्थ प्लैनेट वेयर ही हैज एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ नेचर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो मनुष्य का पागलपन है अभी भी, जैसे प्रभुपाद आगे लिखने वाले हैं, अभी सब लोग चंद्र पर जाना चाहता है, हमारा अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है इलॉन मस्क, तो उसका प्लान है लोगों को मैं चंद्र और मार्स लेके जाऊंगा और वहां पे घर बांधूंगा। क्यों, क्योंकि ये दुनिया को, ये धरती को लोगों ने इतना शोषण किया है, इतना शोषण कर दिया है, पूरे निचोड़ लिया है धरती के रस को भोग कर करके, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कष्ट मिल रहा है, लोगों को लगता है वहां पे जाऊंगा मार्स में, तो यहाँ के लोग ये वृत्ति लेके चंद्र पे जाएंगे, जा नहीं सकते, वहां पे जाएंगे तो वहां क्या करेंगे, वहां के एरिया को भी शोषण करके आएंगे। तो ये बद्ध जीव का मेंटालिटी है, तो धरती के जो सामग्री है उस पर खुश नहीं है, उसको भोग करने का प्रयास करता है, पूरे तरह से निचोड़ लेता है, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता है, बाद में उसका आकांक्षा रहता है कि मैं चंद्र पर जाऊंगा। He is not even satisfied with the available amenities on this planet Earth, where he has exploited the resources of nature to the best of his ability. तो हमारे ज्ञान और विज्ञान जो है उसके अनुसार और उसकी प्राप्ति करके जो बुद्धिमान लोग हैं क्या कर रहे हैं, धरती का exploitation, शोषण कर रहे हैं। He wants to go to the moon or the planet Venus to exploit resources there. तो धरती को छोड़ के वो अभी चंद्र पे जाना चाहते हैं, मार्स पे जाना चाहते हैं, वीनस पे जाना चाहते हैं, वहां पे शोषण करने के लिए। बट द लॉर्ड हैज वॉर्न्ड अस इन द भगवद गीता 8:16 अबाउट द वर्थलेसनेस ऑफ ऑल द इन्यूमरेबल प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स एज वेल एज दोस प्लैनेट्स विद इन अदर सिस्टम्स। तो भगवान ने गीता में क्या 8वें अध्याय में भगवान ने बोला है, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो भगवान ने गीता में बता रहे हैं कि ये दुनिया में, ये धरती में या ब्रह्मलोक में या स्वर्गलोक में हर एक जगह पे जीव जाएगा तो वापस उसको आना पड़ेगा, जब उसका पुण्य खत्म होगा वापस आना पड़ेगा। देर आर इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस एंड ऑल्सो इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स इन ईच ऑफ देम। तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनेक सारे ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में अनेक सारे लोक हैं, but none of them is immune to the chief miseries of material existence, namely the pangs of birth, the pangs of death, the pangs of old age and the pangs of disease. तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, पर हर एक जगह पे, हर एक लोक में जन्म होता है, मृत्यु होता है, बुढ़ापा आता है और जो बीमारी है वो आता है, कहीं पे भी जाओ। तो इसलिए भगवान ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया है दुखालयम अशाश्वतम, आप कहीं पे भी जाओ दुख ही दुख मिलेगा। एक बार पाश्चात्य देश में हमारे एक इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उन्होंने गोवर्धन पूजा के लिए बहुत बड़ा केक बनाया था, बहुत विशाल केक, ह्यूज केक। तो सब लोग गोवर्धन का परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते लोगों के मन में एक ही चीज था,
कब प्रसाद के लिए बैठेंगे और कब ये प्रसाद मिलेगा, केक का प्रसाद। तो सब लोग बैठ गए प्रसाद के लिए और सबके थाली में केक आया, बड़ा बड़ा पीस। तो सब लोग वही केक को देख रहे थे। फाइनली इतना सोचा है, अपेक्षा किया है उन्होंने, केक को लेते हैं मुंह में डालते हैं, जिसने बनाया था कुक ने शुगर के बदले उसने नमक डाल दिया केक में, तो केक आया नमकीन। तो उनको लगा कि इस तरफ घुमा के देखता हूँ, केक को घुमा के काया नमकीन, दूसरे साइड तीसरे साइड घुमा के काया, सब जगह नमकीन। तो ये भौतिक दुनिया है, धरती पे रहो, स्वर्ग में जाओ, चंद्र में जाओ, जहाँ पे भी जाओ, ये भौतिक दुनिया का केक नमकीन ही है, क्योंकि भगवान ने बनाया है एक केक में नमक डाल के। दुखालयम अशाश्वतम। द लॉर्ड सेज दैट इवन अप टू द टॉप मोस्ट प्लैनेट नोन एज द ब्रह्म लोक और सत्य लोक एंड वॉट टू स्पीक ऑफ अदर प्लैनेट्स लाइक द हेवनली प्लैनेट्स इज नॉट अ हैप्पी लैंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मटीरियल पैंस एज अबव मेंशन। तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि सत्यलोक या ब्रह्मलोक, वहाँ तक भी, स्वर्गलोक छोड़, स्वर्गलोक से बहुत आगे है सत्यलोक, वहाँ पे भी घर नहीं बांधना चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पसेस, जगह पूरे तरह से सेटल होने का वो जगह नहीं है, क्योंकि हर एक जगह में ये बहुत ही कष्ट है। तो हमको घर बांधना है तो हमको आध्यात्मिक जगत में घर बांधना है। तो श्रील प्रभुपाद जब हमारे जूह मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो समय एक प्रभुपाद के डोनर थे, तो भक्तों के लिए गेस्ट हाउस बना रहे थे, क्योंकि भक्त अलग अलग कुटिया में रुक रहे थे, तो बहुत कष्ट करके बहुत मेहनत से अलग अलग गेस्ट हाउस बांध रहे थे। तो प्रभुपाद बोले आप यहाँ पे गेस्ट हाउस बांधो भक्तों के लिए, भगवान आपके लिए घर बांध रहे हैं यहाँ पे गोलोक वृंदावन में। तो किसी को घर बांधना है तो भगवान का सुझाव है गोलोक वृंदावन में आके घर बांधो। कंडीशन सोल्स आर स्ट्रिक्टली अंडर द लॉज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड अ सच दे समटाइम्स गो अप टू ब्रह्मलोक एंड अगेन कम डाउन टू पाताल लोक एज इफ दे वर अनइंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑन अ मेरी गो राउंड। जो बद्ध जीव है ऊपर नीचे चक्कर करते रहते हैं, जैसे मेरी गो राउंड बोलते हैं इसको, कभी कभी गांव में मेला लगता है ना, वो जो बड़ा एक सर्कल होता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे अलग अलग कैरेजेस होते हैं, लोग बैठते हैं और वो घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर से ऊपर फिर से नीचे। तो ऐसे बद्ध जीव क्या कर रहे हैं, कभी स्वर्ग लोग, कभी धरती, कभी पाताल लोग, कभी स्वर्ग लोग, तो अलग अलग जगह चेंज करके हम देख रहे हैं आनंद है क्या। तो ये भौतिक जीव का जिंदगी है। जैसे भगवान 15वां अध्याय में बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम, ये अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताते हैं। जैसे एक बंदर होता है, बंदर एक पेड़ के अलग अलग फल को देखता है, तो बंदर को क्या लगता है, ये फल चखता है उसको अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है दूसरे डाली में मैं छलांग लगा के देखता हूँ वहाँ का फल अच्छा रहेगा, तो ऐसे छलांग लगाता रहता है। तो वैसे हम ये भौतिक दुनिया के वृक्ष में अलग अलग लोगों के डाली में छलांग लगा रहे हैं, ये फल अच्छा नहीं है, शायद वो डाली में फल अच्छा है, वहाँ जाऊँगा तो सुख मिलेगा, यहाँ जाऊँगा तो सुख मिलेगा। तो इस तरह से बद्ध जीव फंसा रहता है भोग करने के प्रयास में। द रियल हैप्पीनेस इज इन द किंगडम ऑफ गॉड वेयर वन हैज टू वन वेयर नो वन हैज टू अंडरगो द पैंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो सही में सुख पाना है तो कहाँ पे सुख है, भगवान के धाम में, वहाँ पे बिल्कुल कष्ट नहीं है। तो हमको सही में सुख पाना है तो हमको भगवान के धाम जाना है। Therefore, the Vedic ways of fruitive activities for the living entities are misleading. इसलिए शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई वेद पढ़ेगा और वेद के कर्मकांड मार्ग में फंस जाएगा तो क्या होगा, उसको लगेगा जिंदगी का सफलता क्या है, स्वर्ग लोक तक जाना, पर वो अपने आप को भ्रमित कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है स्वर्ग लोक में भी जाऊंगा वहां से वापस आना पड़ेगा। वन थिंग्स ऑफ अ सुपीरियर वे ऑफ लाइफ इन दिस कंट्री और दैट और इन दिस प्लैनेट और अनदर बट नो वेयर इन द मटीरियल वर्ल्ड कैन ही फुलफिल दिस रियल डिजायर ऑफ लाइफ नेमली इटर्नल लाइफ फुल इंटेलिजेंस एंड कंप्लीट ब्लिस।
तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये जगह से दूसरे जगह जाता हूँ मैं, ये जो देश छोड़ के अमेरिका जाऊँगा या ये लोग छोड़ के स्वर्ग लोक जाऊँगा। पर जीव को पता नहीं है कि भौतिक दुनिया के हर एक जगह पे दुख ही दुख है, इसलिए हमको सही में सुख चाहिए तो हमको भगवान के धाम जाना चाहिए। वहाँ पे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और शाश्वत जीवन मिलेगा। इनडायरेक्टली श्रीला सुखदेव गोस्वामी अफर्म्स दैट महाराज परीक्षित इन द लास्ट एज ऑफ लाइफ शुड नॉट डिजायर टू ट्रांसफर हिमसेल्फ टू द सो कॉल्ड हेवनली प्लैनेट्स बट शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर गोइंग बैक होम बैक टू गॉड। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सावधान कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि आपके थोड़े दिन बाकी हैं, आप स्वर्गलोक की प्राप्ति की आकांक्षा मत रखो, आप आकांक्षा रखो परम धाम, भगवान के धाम जाने का आकांक्षा रखो। नन ऑफ द मटीरियल प्लैनेट्स और द एमिनिटीज अवेलेबल देयर फॉर लिविंग कंडीशंस इज एवर लास्टिंग, देयरफॉर वन मस्ट हैव अ फैक्चुअल रिलक्टेंस टू एंजॉय सच टेम्पररी हैप्पीनेस एज दे अफोर्ड। कि भौतिक दुनिया के कौन से भी लोक में जो आनंद है वो शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को ये भौतिक दुनिया के जो चकाचौन है और जो प्रलोभन है उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो हम टेक्स्ट 3 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।